सिटी पैलेस और का जयपुर का मोस्ट पॉपुलर जो पैलेस है वो है सिटी पैलेस। सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं टिकट अंदर जाने के लिए, और टिकट लेते ही जैसे ही हम अंदर पहुँचते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पूरा भव्य पूरा रॉयल महल हमारा वेट कर रहा होता है। तो देर किस बात की, चलो यहाँ पर घूम लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं वो सब आपके साथ शेयर करते हैं। और यहाँ पर जैसे ही देख पा रही हूँ तो बादल भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और कह रहे हूँ कि चलो आओ और दीदार कर लो इस महल का। फ्रॉम जयपुर। सो गाइज, आज मैं आई हूँ सिटी पैलेस एक्सप्लोर करने और मेरा आज तीसरा दिन है, डे थ्री है। तो चलिए एक बार हम सिटी पैलेस को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले मुझे मुबारक महल दिख रहा है और दूसरा टेक्सटाइल गैलरी दिख रही है, ये सब एक्सप्लोर करेंगे। अभी यहाँ सामने भी दिख रहा है कुछ एक महल। वेलकम टू जयपुर सिटी पैलेस। बड़ा दरवाजा यहाँ पर आज पहली बार देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं ऊपर कैसे कबूतर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और दरवाजे की बनावट स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो पूरा यहाँ पर जो लगा हुआ है पीतल वगैरह जो भी लगा हुआ है वो समझ में तो नहीं आ रहा है, बट हाँ जितना बहुत ही इसकी बनावट इतनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है और इतनी हाइट है इसकी वो देख सकते हैं आप। हाँ तो कुछ अलग ही अंदाज। सिटी पैलेस के अंदर आए हैं तो देखिए राजा शाही राजाओं और मुगलों की तो यहाँ रहने का निवास स्थान इसको माना गया है, लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं तो उन लोगों के रहने का जितने यहाँ पर रेस्ट रूम हुआ करता था यहाँ प्रीतम निवास। तो चलिए इसके अंदर भी चलते हैं। और ये चांदी के जो जार दिख रहे हैं, बड़े बड़े पॉट दिख रहे हैं, ये राजा उनके टाइम में यहाँ पर गंगा जल स्टोर करने के लिए किया जाता था। तो सबसे पहले हम सिटी पैलेस के म्यूजियम में हैं अभी, जहाँ पर आप देख सकते हैं राजशाही पोशाक पहने ये पहरेदार यहाँ पर खड़े हैं और आज भी उसी रिवाज में हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो गन राजा महाराजा और उनके सैनिक यूज करते थे वो सारे यहाँ पर पूरे एक शोकेस पे लगाए गए हैं। इस पैलेस को बनाने का थॉट्स महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय का था, उन्होंने ही इसका निर्माण भी कराया था। जैसे ही इस महल के दूसरे छोर पर चलते हैं तो यहाँ पर सवाई मानसिंह जी का भी पोर्ट्रेट दिख जाता है, और जैसे फिर आगे की तरफ चलते हैं तो ये देखिए सवाई जयसिंह द्वितीय जी का भी पोर्ट्रेट यहाँ पर मिल जाता है। इस महल से अगर बाहर की तरफ निकलते हैं, बाहर मीन्स आप देख लीजिए ये पूरा एक सभागार ग्राउंड है जहाँ पर पूरे इनके सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी कल्चरल प्रोग्राम होते थे वो सारा कुछ यहाँ पर दिख जाता है। और चारों तरफ आप देख लीजिए महल ही महल। तो चलिए अभी हम इस प्राइवेट महल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आज भी देखिए राजा महाराजाओं का वंशज चला आ रहा है, तो इन सब की जो बारी बारी से पिक्चर्स लगी हुई हैं ये सारे राजा महाराजाओं के प्रिंस और प्रिंसेस सबकी फोटोज यहाँ पर लगी हुई। आपको बता दूं सिटी पैलेस जो है एक शाही निवास है और यहाँ पर पहले प्रशासनिक मुख्यालय और आज यहाँ पर प्राइवेट 1732 में बना हुआ ये महल है और इस महल को देखकर लग रहा है कि आज भी उतना ही बिल्कुल चमकदार, उतना ही सुंदरता, उतना ही भव्य, बहुत ही अच्छा अद्भुत लग रहा है देखने में। सिटी पैलेस के अंदर ही चार ऐसे गेट बने हुए हैं जो मोस्ट पॉपुलर हैं, चार्मिंग पीकॉक गेट इनको बोला जाता है। और इनके अगर मैं बात करूं बनावट स्ट्रक्चर की तो ये मुगल और राजपूत वास्तुकला का बहुत ही सुंदर मिश्रण दिख जाते हैं। ऊपर बनी हुई सारी खिड़कियों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सारी रानियां यहाँ नीचे जो भी प्रोग्राम होते थे उन सबको खिड़कियों से ही देखा करती। शाही महल में आए हैं तो यहाँ पर शाही तरीके के डस्टबिन भी आपको दिखेंगे। देखिए पीतल के बने हुए डस्टबिन हैं जहाँ हर जगह मैं देख रही हूँ, सारे महल में इस तरह के ही डस्टबिन रखे हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारी प्राचीन प्रथा कितनी खूबसूरत, कितनी अद्भुत थी। तो चलिए और भी कुछ एक्सप्लोर कर लेते हैं। आइए, संगमरमर से बने हुए पिलर्स आप देख सकते हैं और यहाँ पर हथियार रखे हुए हैं। तो यहाँ पर सभा निवास, देखो सभागार अंदर जहाँ पर मीटिंग्स हुआ करती थी, सभाएं लगती थी, तो सभा निवास इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर सभा हुआ करती थी महाराजा। तो अभी अंदर हम देख के आ गए हैं, वहाँ पर कैमरा अलाउ तो नहीं है,
थोड़ा अगर होगा तो हम आपको दिखा देंगे। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ, जब वहाँ पर सभा होती थी या कुछ भी कल्चर प्रोग्राम होते थे कल्चरल, तो रानियाँ इस दरवाजे खिड़कियों से देखा करती थी। देखिए जाली लगी हुई है और यहाँ से देखा करती थी। महिलाएँ वहाँ नहीं जाया करती थी, रानियाँ दासियाँ कोई भी वहाँ नहीं जाती थी, तो वो लोग यहाँ खिड़कियों से देखा करते थे। बड़ी पेंटिंग लगी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से प्रोग्राम हो रहा है। कोई बहुत ही प्रेड बड़ी पेंटिंग यहाँ पर लगी हुई है। सिटी पैलेस जितना ही दिन में दिखता है बहुत खूबसूरत, उतना ही रात को ये और भी खूबसूरत दिखने लग जाता है। जब यहाँ पर चारों तरफ लाइट ऑन हो जाती है, महल ऐसे चमकने लगता है, ऐसे जगमगाने लगता है, मानो आसमान से सारे सितारे यहीं पर चमक रहे हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर रास्ते में ही अल्बर्ट हॉल पड़ता है जो एक म्यूजियम है, उसको भी देख कर आते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी अल्बर्ट हॉल का एक बार आप बाहर से पूरा व्यू देख लीजिए। और हमने जितनी भी हमसे कोशिश हमने करी कि मोबाइल से ज़्यादा रिकॉर्ड करने की, क्योंकि जब हम टिकट ले रहे थे तो हमें टिकट काउंटर पे पता चला कि वहाँ पर आप कैमरा नहीं ले जा सकते, गोप्रो नहीं ले जा सकते, तो आपको थोड़ा सा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि हमने सारी वीडियो मोबाइल से शूट करी हुई है आप लोगों के लिए। तो आप देख लीजिए, एक बार मैं बाहर का पूरा आपको व्यू करा देती हूँ, रात में कितना सुंदर दिखता है अल्बर्ट म्यूजियम हॉल। चतुर्भुज विष्णु भगवान की भी मूर्ति दिख जाती है। ये भी 10वीं सदी सांबर जयपुर काले पत्थर में बनी त्रिवेदी त्रिदेव में रक्षक विष्णु की मूर्ति, जिनके चार हाथों में से तीन टूटे हैं। आप देख सकते हैं तीन हाथ टूटे हुए हैं, एक गदाधारी हाथी शेष है। ऊपर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और संहारक शिव है। निचले हिस्से में शंख चक्रधारी आयुध पुरुष और सेवक बने हुए हैं। मूर्ति मुकुट और अल्बर्ट हॉल संग्रहालय राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है। यह संग्रहालय सर सैमुअल स्विंटन जैकब द्वारा डिजाइन किया गया। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय का निर्माण 1876 में किया गया था और यहाँ पर वो सारी चीजें स्टोर करके रखी गई हैं जो राजा महाराजाओं के सैनिक, राजा महाराजा अपने युद्ध के दौरान वेपन्स यूज किया करते थे, और जो भी उनके महल में कलाकृति, जो भी उनके खान पान से रिलेटेड, उनके रहन सहन से, वो सारी चीजें यहाँ पर स्टोर कर रखी गई हैं। सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर। दिखाने को तो बहुत चीजें हैं, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें एक शॉर्ट में संक्षेप में बता। इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पर दीवार गिरी, लकड़ी का नकाशीदार वर्मा, ये की मूर्ति नेपाल से लाई गई थी। देखो भूमि स्पर्श मुद्रा जय चार ये यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये कहाँ से आई थी, बुद्धत्व प्राप्त कर उन्हें आशीर्वाद दे रही है। तो यहाँ पर जो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है, यहाँ पर सारे देश विदेश से लाई गई जितने भी बर्तन, यहाँ पर जितने भी कलाकृति हैं, हर एक को यहाँ पर संजो के रखा गया है। मूर्तियों को ये बलुए पत्थर में बनी कैलाश पर्वत को हिलाने का प्रयास करते रावण की, ये वाली मूर्ति आप देख सकते हैं, बहुत ही रोचक कहानी है। कथा है कि अनन्य शिव भक्त रावण ने जब
कैलाश शिव के दर्शन करने के लिए जाना चाहा तो उसे द्वारपालों ने रोक दिया। जिसे क्रोधित हो उसने कैलाश को ही उठाकर अपने साथ ले जाने चाहा। जब कैलाश हिला तो शिव ने अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। इस पर रावण को बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने 1000 वर्षों तक शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। शिव पुराण मध्य काल में इस विषय पर बहुत मूर्तियां बनी हुई हैं। इसके उत्तम उदाहरण है एलोरा, एलिफेंटा, हेलिविन, वेलोर, खजुराहो आदि स्थानों पर विराजमान है। तो देख सकते हैं रावण जब कैलाश पर्वत को ले जा रहे थे तो जितनी भी ये कारपेट दिख रही हैं ये राजा महाराजाओं के महलों में बिछाने वाली कारपेट्स हैं और यहाँ पर आज संग्रहालय के अंदर इनको शोकेस पर बंद कर रखा है और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अल्बर्ट हॉल का दिन का नज़ारे आप देख सकते हैं। मैंने जितना भी वीडियो शूट किया है वो नाइट का किया है। तो देखिये मैं अलग से एक बार फिर से इसका, अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, इवनिंग हो रही है, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है महल की तरह।